सिलाका T20/40 WS, सिलाका T20/40 MG WS क्या है, ये कब इसको यूज़ करता है, कितने दिनों से यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन लगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोजन कितना होना चाहिए और ये टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सिलाका T20/40 MG WS के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहले ही पर बजट की अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं सिलाका T20/40 MG WS जो कि हमारे पास 10 WS का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 177। सिलाका T20/40 MG WS को JBK मिलर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सिलाका T20/40 MG WS के अंदर कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर कंपोजिशन से सिंधी डिबिन एंड टेलमिसाटिन टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। सिलाका T20/40 MG WS के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर जो सिंधी डिबिन है वो 20 MG + टेलमिसाटिन 40 MG इसके अंदर डाले गए हैं। सिलाका T20/40 MG WS का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिलाका T20/40 MG WS के अंदर दो मेडिसिन रहती हैं, सिलनेडिपिन्स एंड टेलमिसाटिन्स। दोनों ही दवाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करती है, साथ में भी मिलकर वे ब्लड वाहिकाओं को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और आपके हार्ट के लिए पूरे बॉडी में रक्त को पंप करना आसान बनाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी में समस्या होने का जोखिम कम होता है। सिलाका T20/40 MG WS का इस्तेमाल हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिलाका T20/40 MG WS का डोज की बात करें उसका डोज पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, मेडिकल कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज कितना होना चाहिए और इसका डोज अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सिलाका T20/40 MG WS के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में हो सकता है, एड़ियों में सूजन होना, हेडेक होना, फ्लैशिंग्स होना, चक्कर आना, थकान होना, पेट खराब होना, तो एक कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सिलाका T20/40 MG WS का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सिलाका T20/40 MG WS को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सिलाका T20/40 MG WS का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो सिलाका T20/40 MG WS के बारे में कुछ भी डाउट होंगे कमेंट से बताएं। सिलाका T20/40 MG WS का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।